स्वामी की एक याद भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर यमुनी महाराज की अहिंसा मय विश्व धर्म की तीर्थंकर जिनेश्वर ने वस्तु तत्व को छाईक अभेदान के साथ जगत के प्राणी बात को प्रदान किया है। वही परम तत्व जिसके अभाव में जीव क्लेश को प्राप्त कर रहा है, तत्व ज्ञान तत्व दर्शन इतना गंभीर है, वस्तु बाहर से नहीं लाना है, दृष्टि को संभालना है, वस्तु त्रिकालिक है जिसमें व्यक्ति भोग देखता है उसमें वैरागी योग देखता है। तत्व ज्ञान तत्व दर्शन ऐसा नहीं है कि कोई बाहर की वस्तु आ रही है। जब मित्र किसी एक जीव को संबंध में आनंद आता है, भोग वृत्ति है, संबंध का वियोग करके स्वभाव पर लक्ष्य होता है, तब तत्व दृष्टि। एक पुरुष जिसको अपनी पत्नी कहता हो, एक स्त्री अपना पति कहती हो, जब इंद्रिय सुख पर लक्ष्य होता है तो परस्पर में पति पत्नी का अवलोकन होता है और भोग वृत्ति का विनाश होता है, तो मेरे मित्र आर्य का और निर्गंत मुनि का दर्शन होता है। वस्तु नहीं बदली है, ऐसा मत समझना कि दर्शन कोई तत्व दर्शन अलग से आता है, कोई दर्शन अलग से नहीं आता। वही राम वही जानकी जब शंबर मंडप में गए थे तो मित्र शादी रचा के आए, तो राम जानकी पति पत्नी कहलाए, ज्ञानी वही आर्का हो गई सीता, राम ने जैनुश्री दीक्षा को धारण कर लिया, अवधपुरी वही थी, अयोध्या कहां बदली, राम कहां बदले, जानकी कहां बदली, बदलना कुछ नहीं पड़ता है, मात्र दृष्टि को बदल दिया पूरा वातावरण ही बदल गया। हे मित्र, जिसके और व्यक्ति जहां
अयोध्या में कभी श्री राम राज्य करते थे, वे ही श्री राम मुरजास चर्या करने निकलते। राजा शब्द से महाराज शब्द जुड़ गया, राजा शब्द से महाराज शब्द जुड़ गया। वस्तु क्षण मात्र में बदलती है दृष्टि के बल पर, वस्तु क्षण मात्र में बदलती है दृष्टि के बल पर। इसलिए ज्ञानियों, जो कभी मित्र अपने परिवार के सदस्य को कोई भाई कहता है, कोई भाभी कहता, कोई माँ कहता है, मित्र जब दृष्टि बदलती है तो मित्र जो माँ थी, भाभी थी, बहन थी, वो आर्का का रूप ले लेती है, और जो भाई पिता था मित्र वो निर्गंत मुनि हो जाता है। संज्ञाएं बदल गई, संज्ञाएं ही नहीं बदली, जैन दर्शन संज्ञा के बदलने को नहीं पूछता, रहस्य की, क्योंकि दर्शन पक्ष प्रारंभ हो गया है, तत्व दर्शन। सुबोध भैया, संज्ञाओं की पूजा नहीं है। एक नगर में मैं गया था, वहां पर राज्य कर्नाटक से मध्य प्रदेश में एक SPI बन करके एक युवा, उसका नाम था मुनिराजू, उसका नाम था मुनिराजू। तो राजू तो लोग ऊ तो हटा दें, और बुलाए मुनिराज, और मैं मंच पे बैठा, और ये भाई लोगों ने बुलाया भाई मुनिराज, और ऊ समझ में नहीं आए। तो मैंने कहा मुनिराज कहाँ से आ रहे यहाँ पर। मित्र, वो मुनिराजू भाई था, आकर के सिर पर चढ़ाता है। मैंने कहा भाई मुनिराजू, जैन दर्शन चार निक्षेपों की व्याख्या करता है, नाम स्थापना द्रव्य भाव, नाम स्थापना द्रव्य भाव। वहां पर वीर सागर भी हैं, दिल्ली में तीन व्यक्ति रहते हैं, एक का नाम वीर सागर, एक का नाम गुणसागर, एक का नाम ज्ञान सागर। और गुणसागर ज्ञान सागर क्यों, उपाध्याय ज्ञान सागर के छुल्लक थे, सो गुणसागर थे। बाद में यहाँ पर चातुर्मास किए ज्ञान सागर जी ने, मालूम वो वीर सागर के प्रोफेसर हैं। तो पहली बार मैंने सुना वीर सागर, अरे मित्रों वीर सागर जो तबला जी टीका लिखे वो वीर सागर अलग है। ऐसे ज्ञानियों जो संज्ञा जो है मुनिराज संज्ञा, तो नाम निक्षेप लोक व्यवहार के लिए है, स्थापना निक्षेप। मित्र ये पूज्य के गुणों का आरोपण है, स्थापना निक्षेप में पूज्य गुणारोपण है, द्रव निक्षेप में जो वस्तु वर्तमान में नहीं है ऐसी भविष्य में होने वाली है अथवा हो चुकी है भूत में, उसको वर्तमान में कहना ये द्रव निक्षेप है। जो भाव निक्षेप है वो जगत पूज्य बंधनी है, स्थापना निक्षेप भी पूज्य है, लेकिन भाव निक्षेप अनुभव भूत है। नाम जिन नाम ठवण जिन प्रमाओ, अपने सामने प्रतिमा भी विराजमान है, नाम जिन नाम ठवण जिन पाओ, दौ जिनम जिन जीवा भाव जिनम समोषण मृत। किसी पुरुष का नाम रख दिया, नाम जिन कहलाएगा, स्थापना जिन जिन प्रमाओ, जिनेन्द्र की प्रतिमा स्थापना जिन है, राम जिन दब जिन जिन जीवा, कोई एक जीव मुनि दीक्षा ले चुका है, अंतर मुहूर्त में उसको केवल ज्ञान होने वाला है, ऐसे जीव को हम कहेंगे जिन जीव। वो क्या है, द्रव्य जिन, द्रव्य जिन, वो द्रव्य जिन है जो समोष में विराजे साक्षात तीर्थंकर केवली भगवंत, वे कहलाएंगे भाव चिन। तो नाम से
कोई जीव त्यागी नहीं हो जाएगा। संज्ञा और संज्ञा दो शब्द बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। संज्ञा और संज्ञा, संज्ञा यानी नाम, संज्ञा यानी नाम और संज्ञा आहार भय मिथुन परिग्रह, ये चार संज्ञा। संज्ञा का जीव पूज्य नहीं हो पाएगा, संज्ञा का जीव आनंद नहीं ले पाएगा, जो नाम संज्ञा वाला जो चार संज्ञाओं को छोड़ करके चारित्र को धारण कर लेगा वो पूज्य होगा, वो भाव संयमी होगा। इसलिए वस्त्र बदलना मोक्ष मार्ग नहीं, नाम बदलना मोक्ष मार्ग नहीं, गांव बदलना मोक्ष मार्ग नहीं। वस्त्र बदलने के साथ, नाम बदलने के साथ, गांव बदलने के साथ, भोजन बदलने के साथ जो भाव बदल देता है उसका नाम साधु होता है, तब कहलाएगा भाव संयमी। इसलिए तत्व ज्ञान जो है सोनू बाहर से नहीं लाना पड़ेगा, जो आप है धोती दुपट्टा पहनते ही, धोती दुपट्टा पहनते ही, सोने के कपड़े पहनता ना ऐसे, चलो ढाबे पे चलते हैं, चलो ढाबे पे चलते हैं, बड़े बाबा फिर ढाबे पे नहीं जा पाएगा। बोले क्यों? बोले सोने के कपड़े पहने हैं, इन वस्त्रों में ढाबा नहीं दिखता है, इन वस्त्रों में चौका दिखता है। जब कपड़े के बदलने से, सोने के वस्त्र बदलने से मेरे मित्र किसी ढाबे पर नहीं जा सकते हो, फिर दिगंबर भेष बनाने पर भावों में नहीं जा सकते हो। इसलिए तत्व दर्शन का जो प्रकरण है वो कह रहा है तुम दुखी क्यों हो, पहली गाथा ही, आप दुखी क्यों हो, जगत क्लेश में क्यों है। दुख का बिंदु सुबोध भैया मैं आपका नहीं हूं, विश्वास मानना, मैं आपकी दुख का बिंदु नहीं हूं और आप भी मेरे दुख के बिंदु नहीं हूं। यदि आपको मेरे से के अंदर कोई इच्छा प्रकट कर ली और उस इच्छा को मैं पूर्ण नहीं कर रहा हूं यदि, तो मैं आपके दुख का कारण बन जाऊं। यदि मेरे मन में कोई इच्छा प्रकट हो गई और मैंने कहा कि सुबोध भाई इस काम को पूरा कर देंगे और जो सुबोध ने नहीं किया तो सुबोध हमारे दुख के कारण बन जाएंगे। जबकि सत्य है जो हम दुख का कारण देख रहे हैं वो निमित्त है, बहिरंग दर्शन मात्र है, उपादान तो जो है मेरे भीतर की इच्छा है। त्यागी वृंद बोले, त्यागी वृंद मित्र मुस्काते क्यों मिलते, यथार्थ में जो त्यागी होगा हंसेगा नहीं, चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। बहुत गहरा विषय है, मुस्कुराहट का कारण है कि जितने प्रकार के गृहस्थ में विकल्प थे उन विकल्पों से अपने आप को मुक्त कर लिया है। जब घर के विकल्पों से मुक्ति पाने पर चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है तो कर्मों से मुक्ति पाने पर आत्मा अभ्यास को प्राप्त होता है। गाड़ियों जब तक विकल्पों से मुक्ति नहीं पाएगा तो यूं घर का छोड़ना मानना चाहिए जैसे ललित सेठी एक दिन बंबई गए, बम्बई की गलियों में घूम रहा भाई, परंतु बार बार फोन लगा रहा गया। मित्र बम्बई की गलियों में जरूर थे पर गया छोड़ के नहीं गए थे, त्याग के नहीं गए थे, गया से कोई काम से गए थे। यदि आप नगर से पाटनी बनारस गए और बनारस जाकर के भी तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी की कल्याणक भूमि में प्रवेश के बाद भी आप वहां
भगवान की वंदना करने नहीं जा रहे हो, किसी को बांधने जा रहे हो। वहां पर खोज करना पड़ेगी। तीर्थ वंदना के लिए जाओगे तो निर्जा करके आओगे, वहां पर भी शादी रचाने जाओगे तो बंद के ही आओगे, बंद के ही आओगे। ऐसे जैसे जीव तीर्थ भूमि पर किसी काम से जाता है, एक मालूम जिनाले में अभी मुझे जब से आया हूं बहुत सारे लोग आते जाते मिलते हैं, बहुत सारे लोग मंदिर में काम कर रहे हैं, वे मंदिर में आते जाते रहते हैं लेकिन निर्जा करके नहीं आते। वे मंदिर में खुटिया लगाने आते हैं, मंदिर में घिसने आते हैं, दीवार लगाने बनाने आते हैं, पत्थर लगाने आते हैं, मेरे मित्र प्रभु के दर्शन करने नहीं आते हैं। इसलिए ये मत सोचना कि मंदिर में आने से वो निर्जा को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे मुमुक्षुओं कोई काम है इसलिए मंदिर आ रहे हो, वो काम के लिए आ रहे हो, कर्म निर्जा के लिए नहीं आ रहे हो। ऐसे तीर्थ वंदना के लिए तुम जा रहे हो, यदि काम से जा रहे हो वो वंदना के भाव से नहीं जा रहे। मित्र ऐसा सोच के जाओ ना, बनारस में पारस प्रभु के दर्शन करके आएंगे, समय मिल जाएगा तो काम निपटा लेंगे। वो ऐसा करके जा रहे हो, बोले बनारस जा रहा हूं मैं शादी में और समय मिल जाएगा तो दर्शन कर लेंगे। अब प्रधानता किसकी रही? इसलिए हेमंत भैया ये सोच के जाओ, मैं तीर्थ वंदना करने जा रहा हूं, तीर्थंकरों की जन्मभूमि बनारस, चंदा प्रभु स्वामी श्रियांश नाथ क्या पारसनाथ सुपारसनाथ, इतने तीर्थंकरों की कल्याणक भूमि है, सारी भूमियों की वंदना करके आना। बंद करके मत आना, वंदना करके आना, बंद करके मत आना। यानी जैसे तीर्थ में प्रवेश करने पर व्यक्ति काम से गया है, कहीं बनारस की साड़ी खरीदने गया तो बंद हो जाएगा, और मेरे मित्र पारसनाथ के चरणों की वंदना करके आया निर्जा हो जाएगी। ऐसी जीव ने तत्व के भेष को धारण किया है कार्य के बस, यानी वो कार्य के बस कि भाई अब घर में रहते बहुत दिन हो गए, कौन विकल्पों में जिए, चलो साधना करते हैं। ये तुमने कार्य के बस स्वीकार किया है, संसार में भटकते बहुत दिन हो गए, अब कर्म की निर्जा करना है, और जीव ने मोक्ष मार्ग को स्वीकार किया है, उसने निर्जा स्थान को प्राप्त किया है। तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान मुमुक्षु तत्व ज्ञान कह रहा है कि जगते पर बदलना किसी को मत, बदला मत लो, बदलो मत, बदल जाइए, मित्र क्या होगी आप सबको, मत बदला लो, मत बदलो, बदल जाइए। किसी से द्वेष बस बदला मत लीजिए, अपनी बात पर मत बदल जाइए, बदल जाइए, कुभावों से बदल जाइए, स्वभाव की ओर आ जाइए। बदलना वस्तु का धर्म है, बोला बदलना वस्तु का धर्म है, बदला लेना नहीं मानवता का धर्म। बदलना वस्तु का धर्म है, बदला लेना नहीं वस्तु का धर्म। कोटि कोटि भवों की मेहनत से जीव को एक क्षण को मां, कोटि कोटि भवों की मेहनत से एक क्षण को जीव को सच्ची बात सुनने का मन करता है। व्यक्ति सत्य को सुनने की ताकत नहीं रखते सुबोध भैया, कोटि कोटि भवों की तपस्या की होगी जब निकली तब कहीं बेटा मन करता है कि मैं सत्य को सुन लूं,
वो अनंत कोटि भवों की तपस्या जब सामने आ जाएगी तो सत्य पर चलने का परिणाम होगा। अनंत अनंत भवों की तपस्या जब फलित होगी, सत्य मार्ग पर चलते समय सम्यक विशुद्धि से युक्त जी पाएगा। सबसे दुर्लभ कोई वस्तु है भावों की विशुद्धि है, सबसे दुर्लभ कोई वस्तु है भावों की विशुद्धि है। संक्लिष्टता को बढ़ाने वाला कोई ऐसा मुक्चु ग्रीडी, संक्लिष्टता को बढ़ाने वाला कोई है अज्ञान भाव, अज्ञान भाव। धीरज भैया एक पेंसिल कोई उठा ले गया, तो उठा ले गया तो विकल्प चल रहा है कहाँ है कहाँ है। दोष किसको दे रहे हो? चोर को। अंदर प्रवेश कीजिए, तुमने ऐसा परिग्रह धारण किया ही क्यों जो किसी को चोरी करने का मन किया। पुनः दूसरे पक्ष में आई, ये पेंसिल कहीं नहीं गई, यदि आपको अवधि ज्ञान होता तो मित्र यदि चोर उठाते समय किसी की दृष्टि में आ जाए वो कहां लेके जा रहा है आपको चिंता ही। बोले क्यों, मुझे चोर तो दिखाई दे रहा है, वस्तु जाते दिख रही है, अब पीछे से आपने स्वयं चल दिया धीरे से, कहां रखेगा? खोजने का टेंशन नहीं है आपको, बस इतना ही है कि अब उसके हाथ से अपने हाथ में ही आना है। यानी समझना, आपको यदि डाकू का पता नहीं है तो तुमको टेंशन ज्यादा है, और चोर का मालूम भर चल जाए आधा दुख समाप्त हो चुका है कि इसके हाथ में मेरी वस्तु है, दुख समाप्त हो गया। यानी दुख कहां था? चोर का बोध नहीं था, अज्ञान था। पेन जाए, पेन अपने पेन पने का परित्याग नहीं किए, आपके हाथ से दूसरे हाथ में पहुंच गया है, उसका आपको ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इसलिए रो रहे हो। यदि ज्ञान हो जाए तो रोना समाप्त हो जाता है, अज्ञान मिटते ही व्यक्ति को सुख प्रारंभ हो जाता है। कषायों में आनंद का अज्ञान, मिथ्यात्म आनंद का अज्ञान का आनंद, ज्ञानियों और आवृत्ति में आनंद का अज्ञान, पर पदार्थ में ममता का आनंद का अज्ञान, ये अज्ञान हट जाए और जैसे ज्ञान प्रकट हो जाए फिर माँ जिनवाणी कहेगी मेरे लाल अविद्या का नाश जहां हो जाता है वहां दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है, वहां से सुख प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे भैया भैया जैसे जैसे ममत्व हटता है सुख बढ़ता है। अनुभव करो ही धीरज, अभी अभी मित्र माँ के वियोग को सहन किया आपने, समय बदलता चला जा रहा है, सुख कम होता चला जा रहा है, अनुभव करो, सत्य है। दूरियां बढ़ती चली जाती है, ममत्व कम होता चला जाता है, दूरियां बढ़ती चली जाती है, ममत कम होता चला जाता है। ऐसे मित्र राग की दूरी हट जाए तो संसार का सारा दुख समाप्त हो जाए। सत्य है, पूर्ण सत्य है। जो घर धीरज आज आपको लगता है इसको कितना सुंदर बना के रखा है, एक दिन भी बाहर निकलने में मुश्किल लगती है, ऐसा निर्णय कर लो आज, अब मुझे इसका त्याग करना है। तो बगल में रहने वाला रागी बोलेगा कितना पागल आदमी है, दो दिन पहले इसकी लिपाई पुताई कर रहा था प्रेम से,
आज छोड़ के जा रहा है। तुम दो दिन की बात कर रहे हो, तीर्थंकर ऋषभ देव तो राजसभा में केस लंचन नहीं कर रहे थे, बे अप्सरा नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, क्या कर रहे थे? जब प्रासाद से राजमहल से राजसभा में जब आ रहे थे तब विश्वास मानिए ये सोच के नहीं आ रहा था मैं आज दीक्षा लेने जाऊंगा। ऋषभ देव ये सोच के नहीं गए थे राज प्रासाद से महलों से नंदा मेरे मित्र नंदा सुनंदा को छोड़ करके राजसभा में जा रहे थे, ये सोच के नहीं जा रहे थे कि मैं आज दीक्षा लूंगा, भी सोच के जा रहे थे कि मैं आज राज्य का सम्मेलन करूंगा और राज व्यवस्था देखूंगा और साथ में राज्यसभा में आए राजे महाराजों का सम्मान करूंगा और अनेक अनेक अप्सराओं का नृत्य देखूंगा। पर जिस सभा में रोज बंद होता था उस सभा में ही निर्बंध मार खुल गया। धीरज जिसके आंगन में नीम का वृक्ष लगा था जब मौसम आता था तो नीचे कौन टपकता था? धीरज जब मौसम आता था तो नीचे कौन टपकता था? निवोरी नीम का फल, वो कड़वा नीम का फल टपकता था। हे मित्र, वृक्ष की आयु पूर्ण हो गई, उसके हटते ही आपने आम का पौधा लगा दिया, कुछ दिन के उपरांत फल टपके, अब क्या टपकेगा? बस ज्ञानी, आंगन बदला वृक्ष बदलते ही फल बदल गया, वृक्ष बदलते ही फल बदल गया, मित्र भाव बदलते ही फल बदल जाता है। इसलिए भैया इस भवन में कोई साधक भी रचा के जाता होगा भैया, वो इसी मंच पे सम्मान होता होगा उसका, और इसी मंच पे लोग कपड़े उतार के चले जाते हैं, साधु बन के चले जाते हैं। हमने सुना है ऐसा, जहां मैं बैठा हूं बिसल सागर जी, यहां पर आचार्य विराग सागर ने इस मंच से दीक्षाएं दी हैं, और मित्र यहां पर ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं, यहां पर कोई है? कोई भी नहीं है। कौन है? अच्छा राजेश आप हो, तो खड़े हो जाओ मित्र। ओहो धीरज देखो, एक ग्राहक देखो खड़ा हो गया। यानी इस मंच पर आचार्य विराग सागर ने दीक्षाएं दी है, और मित्र आप क्यों खड़े हो गए? जोर से बोलो ना। सुब्रत सागर देखो ज्ञानी क्या बोल, बोले गुरु जी उन्होंने दीक्षाएं दी है और इसी मंच पर हमारे गले में वरमाला पड़ी है। ओहो ओहो ज्ञानी, वो कल फिर इसी मंच से दीक्षा होने वाली है। अब कल्पना कीजिए आप, कुछ ऐसे लोग सोच रहे होंगे महाराज जी जब संघ का विहार हो जाएगा फिर यहां पर गृहस्थ दीक्षा होगी। स्थान वही है, भवन वही है, भावनाएं बदली होती है। तो मेरे मित्र एक दीक्षा लेके चला जाता है इसी मंच से, और एक शादी करा चला इसी मंच से। इसलिए वस्तु में दोष नहीं है, काल में दोष नहीं है, मेरे मित्र अपने भाव को संभालिए। कल देखूंगा मैं। बैठो ज्ञानी, हो जीवों को देख के बैठना। अब वो मंच जो है ना, ये मंत्रित हो गया है, जो बरमाला भी पहनने आएगा ना एक क्षण को उसको कुछ लगेगा। आप विश्वास मानिए,
उसको भी सोचना पड़ेगा, जहां पर अनवरत अरहत देश न चलती हो ऐसे मंच पर मुझे अब व्रत ले लेना चाहिए। इसलिए सुबोध भैया आप भी पंचों में आते हो, यानी अध्यक्ष जी जिसको यहां पर बलमाला पड़े उसे कह देना बेटा ये तुम्हारी शादी नहीं है, दीक्षा है। क्या बोलना? ओ भवन का सो मुखिया कहां है? भवन का मुखिया हैं? नहीं आए? मंत्री जी क्या बोलना, ये शादी नहीं है दीक्षा है, जैन दर्शन तो दीक्षा ही देता है। बोले शादी है मित्र, शादी भी दीक्षा है। हैं? परम सत्य है, आगम बोल रहा है शादी भी दीक्षा है। बोले क्यों? जिस कन्या जिस वर की दृष्टि पता नहीं कितने वरों पर कितनी कन्याओं पर दौड़ती थी, आज मेरे मित्र समाज ने मिलकर के अरह सिद्धा चौपाध्य साधु सर्व साक्ष की समाज की साक्षी पूर्वक उसको मेरे मित्र एक नियम में बांध दिया है कि बेटा अब तुम्हारी एक ही स्त्री होगी जगत में, बाकी सब माता बहन होगी। इस सुदान संतोष नाम की दीक्षा दे दीजिए यार उसको। बोले इस मंच पे तुम्हारी बरमाला पड़ रही है बेटा, इतना ध्यान रखो, बरमाला के साथ बिटिया से कहते एक माला भी लेके आओ साथ में, साथ में माला भी साथ में लेके आओ, जिनवाणी भी साथ में लेके आओ। सुबोध भी आई, नई परंपरा प्रारंभ करना है। बोले जितना दहेज देने दे दो लेकिन साथ में जिनवाणी भी देना। बोले बेटा वहां जाके आपस में लड़ोगे नहीं, आपस में बैठ के स्वाध्याय करोगे। ठीक है भैया, अभी सुब्रसा गए मैं ग्रंथ दिए जाते हूँ, आप देते रहना। ज्ञानियों माला ही नहीं पहनाना चाहिए। माताओं याद करो, तुम्हारे सात फेरे के काल में आपको प्रतिज्ञाएं दी गई थी, उन प्रतिज्ञाओं का पूर्ण निर्वाह करो। बोले हम जैसे गृहस्थिक कार्य में सहयोग करेंगे ऐसे आपके धार्मिक कार्य में भी सहयोग करेंगे। याद है आप लोगों को पंडित ने नियम दिलाए थे ना, दिलाए थे ना? अब मालूम आपके मन में क्या चल रहा है? बोले आपको कहां से मालूम, आपके मस्तक में यही चलता है, जब मैं कुछ बोलूं तो आप ऐसे ही सोचते हो। सत्य बताऊं कहां से मालूम है? बताऊं पक्का? क्या बताऊं, मैं फल्गु नदी जाता हूं ना जब, तो बहुत कुछ देख के आता। प्रणुत जी संसार की लीला तो देखो भाई, संसार की लीला तो देखो। ललित भैया ईमानदारी से बोलना, वे कपड़ा गंदे कहां पर होते हैं फल्गु में? ईमानदारी से बोलो, कपड़ा गंदे कहां पर होते फल्गु नदी में? किस देश की नदी में कपड़ा गंदे होते मित्र? ओहो हो, चाहे टेंट हाउस के वस्त्र हो चाहे तुम्हारे कपड़े हो, गंदे होते घरों में, गंदे होते गांव में, और साफ कहां होते? ओहो हो, गंदे घर में करो और नदी में मेरे मित्र मैल फैलाने चले जाओ। ओहो रहस्य पकड़िए, गंदे कहां होते हैं घरों में और सांप कहां होते हैं? ओहो सरता में सांप करने जाते हो, ऐसे ही मुमुक्षु प्रणाम गंदे घर में होते हैं और सांप गुरु के चरणों में होते हैं, तीर्थ में। नदी में कपड़े धुलते हैं और ज्ञानी चैतन्य तीर्थ में प्रणाम धुलते हैं। आप तो हेमचंद जी ताली बजाते रहो, बाकी कुछ नहीं करना। हे मित्र कब तक दुनिया के संचालन करता रहेगा? भोले जैसे थाली पकड़ता रहेगा, आज दो कल कौन पकड़ता है? ज्ञानी कब तक थाली पकड़ता रहेगा? ओ भाई हेमंत जी कब तक दीक्षाओं के आप संचालन करते रहोगे? ऐसा दिन कब आएगा जब ललित भाई थाली पकड़ लें, वो अध्यक्ष जी संचालन करें और हेमचंद की दीक्षा हो रही हो? ऐसा ना हो जाए घर से यहां आने की पाबंदी लग जाए। बैठो ज्ञानी, सुख कहाँ है ललित भैया?
घर में गंदे होते हैं, नदी में धुपते हैं। ओ हो, आज तो मालूम वो धोबी भैया ऐसे मचक मचक के धो रहे थे गड्ढा बना करके, वो बाल्टियों में पानी भर भर के धो रहा था भाई। जैसे ज्ञानी वो मन से धो रहा था, उधर वो जब प्रेम से धोता है तो कपड़े साफ हो जाते हैं। ऐसे ज्ञानियों, तुम मन से कपड़े गंदे करके आते हो तो वो प्रेम से तुमको धोके दे देता है। ऐसे ज्ञानी जो तुमने पाप किए गृहस्थी में, उसको योगीराज तुम्हारे पापों को धो देते हैं। इसलिए समुद्रत स्वामी ने कहा है, रुदिल मरम धावते बारी, जैसे रुदिल से ही दूषित वस्त्र को पानी धो देता है, ऐसे ज्ञानियों आपके आपके भवन की सीढ़ी पर चढ़े प्रभु राज के चरण, अतिथि धाम प्रति पूजा, अतिथियों के चरणों की पूजा तुम्हारे गृहस्थी के पापों को धो देती है। और गुरु शिष्यों के प्राश्चित देकर के उनके भावों को धो देते हैं। और धुले कपड़ों को देख करके भी यदि ललित सेठी रोने लग जाएं, मेरा मैल कहाँ उतर गया, हे मित्र तुम पूरे, अब आप समझो क्या हो। बोले मेरा मैल उतर गया। मित्र सेठी जी कौन ऐसे रोएगा कि स्वच्छ कपड़े तुमको धोके कोई दे दे तो मुस्कुराओगे कि रोओगे? मुस्कुराओगे। तो ऐसे कहो भोले ज्ञानी से, यदि गुरु प्राश्चित दे तो रो मत, मेरे कचड़ा कहाँ उतर गया, ए मुस्कुराओ, मेरे भावों का मल उतर गया। पर अभागे बेचारे जिनको नाली में लूटना ही पसंद है, उन बेचारे प्राणियों को कहां तुम स्वच्छता की बात करते हो, कहां मेरे मित्र विराजो। अज्ञानता दुख है, अज्ञानता दुख है, अज्ञानता दुख है। बोले वो गज स्नान भी श्रेष्ठ है, भले धूल बाल में डालता हो लेकिन पुरानी धूल उतार देता है, जिससे कीड़े तो नहीं पड़ते, खुजली तो नहीं होती, वो मेरे मित्र वही वही पड़ी रहेगी तो मालूम सड़ जाएगा शरीर। इसलिए गज स्नान कह करके मत टालो। यदि आपने दोष किया है प्राश्चित ले लो, गज स्नान मत कहिए, घर की झाड़ू बोलिए आप। तो माँ ने झाड़ू लगाई घर में, सुबह लगाती है, उसे पता है कि शाम तक फिर कचरा हो जाएगा, तो क्या घर में झाड़ू न लगाए? क्यों यानी आसी भैया, घर में आपके पिता की देवी ने, वो आपके बेटे की देवी ने, दोनों ने मिलकर झाड़ू लगाए, समझ गया? उन दोनों को मालूम है कि कचरा फिर हो जाएगा, ऐसा सोच के कि दोनों निर्णय सुना दें, तेरी देवी कहे सोमी और आपके पिता की देवी कहे सोमी, क्यों कमर तोड़ूं, कचरा तो होता ही है, क्यों कमर तोड़ूं, कचरा तो होता ही है, क्यों झाड़ू लगाऊं? मालूम क्या होगा, फिर कचरा नहीं होगा, घर घूरा हो जाएगा, घर घूरा हो जाएगा, वो आने वाले मेहमानों की जगह वहां पर कबूतर और बेंतर घूमने लग जाएंगे। जिसके घर में मित्र बेंतर न बुलाना हो तो कोई भी कक्ष ऐसा मत छोड़ो जिसमें मेरे मित्र कचरा डाल के रखो। घर में बेंतर आ जाते हैं कूड़ा रहने से, कचड़ा फैलाओगे तो कचड़े वाले बेंतर आते हैं, और ज्यादा सुगंध फैलाओ तो वो भी बेंतर आ जाते हैं। इसलिए कचड़ा ही मत फैलाओ और इतर सेंट की सुगंध ही मत फैलाओ, फैला सको तो इन दिगंबर गुरुओं के चरणों की बरगनाएं फैला दो, जिनवाणी की वरगनाएं फैला दो। प्रतिदिन घर में भक्तांबर नमोकार का पाठ करो, विश्व के सारे बेंतर भग जाए। अरते नमः। आज रविशरण स्वामी ने लिखा पद्म पुराण जी में, अरते नमः, संसार में हे मित्र अरते नमः, अरहंत देव को नमस्कार करने से कर्मों का कचरा हट जाता है। अब बोली को समझाओ आसी भैया कि भैया जी मेरी माँ को मालूम रहता है कि झाड़ू लगाने के बाद भी कचरा होता है, फिर भी माँ झाड़ू लगाए कि नहीं लगाए, इतनी सी बात पूछ लो। हार्दिक पूछ लेना जरा बेटा, तुम बगल में बैठा है, बोलो क्या बोल रहा है। यदि घर को घूरा ना बनाना हो
तो झाड़ू लगाते रहना चाहिए। ऐसे परिणामों को घूरा न बनाना हो तो प्राश्चित लेते ही रहना चाहिए, प्रतिकोण करते ही रहना चाहिए, प्रतिज्ञान करते ही रहना चाहिए। ठीक है, हवा चलती है। मालूम जयपुर में मैं था, बासना कर रहा था बापू नगर में, वहां पर विक्रांत काला जी एक दिन मेरे पास आए, बोले महाराज जी हमारी जयपुर में बिना मिट्टी खाए कोई भोजन नहीं कर सकता, ये नियम है। उन्हें क्यों जयपुर में मालूम सिटी के अंदर आज चारों तरफ मिट्टी के बालू के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, टीले हैं, और जैसे कितनी सुंदर कांसे की थाली को मांझ के रख दो, दूर रख दीजिए आप आंगन में, थोड़ी देर बाद आपको बालू के कण मिल जाएंगे। बोले बिना उसके होता ही नहीं है, वहां तो कचरा आ ही जाता है। तो मित्र कचरा थाली में आ ही जाता है तो क्या फिर थाली को साफ ना करें, बालू को ही खाएं क्या? जैसे बार बार सफाई थाली की कर लेते हो, यानी ऐसे ही कितने ही भावों में कचड़े आ जाएं, काम क्रोध मान माया लोभ की हास आदि भावों के कुभावों के कितने ही कचड़े आ जाएं, फिर भी तुरंत ही बड़े बड़े सुंदर महलों में ऐसी आपकी दुकान तो बहुत बड़ी है मित्र, इतनी चमकती क्यों रहती है? ईमानदारी से बोलो मित्र, तेरा चेहरा भी चमक रहा है, क्या रहस्य है? हाँ जोर से बोलना मित्र, साफ करते रहते हैं। ऐसे नहीं, मुमुक्षुओं से कहो ज्ञानी हमारी दुकान ऐसे नहीं चमकती, अलग से आदमी लगाए खड़े हुए हैं कि भी 24 घंटे फटकारते रहते हैं, 24 घंटे समझ सागरी फटकारते रहते हैं आसी की दुकान पर लोग। मित्र सही कह रहा हूं, तब उस वक्त दिखती है। ऐसे ही अपने परिणामों को आत्मा को स्वच्छ रखना चाहते तो फटकार लगाते रहो 24 घंटे। ओहो लगवाते रहो, नहीं लगा पाओ तो आसी ब्रह्मचारी आसी से कह रहा हूं, बालक इनके सोने चांदी पर झाड़ू तो लग नहीं सकती, फटकार लगाते हैं बराबर। ऐसे ही ज्ञानी मुड़राज और त्यागी वृत्तियों पर कोई झाड़ू नहीं मारता है, पर गुरु फटकार लगाते रहते हैं जिससे तुम स्वच्छ रहो। कई आसी भाई रोने लग जाए, बोले पूरे कचरा मेरा कहां चला गया? तो मित्र अपने कचरे की तो तुम रो सकते हो, पर दुनिया तुमको सुंदर नहीं कह सकती बराबर। बैठो, मैंने विक्रांत काला का नाम लिया तो जितनी ये गया कि काला है सब ऐसे देखने लगे। यानी काला जी, मनोज भाई क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं सोच रहे, यही सोच रहे थे। बोले मेरे साले साहब आए, मेरा नाम थोड़ा आ जाए तो अच्छा लगेगा। ओहो अच्छा लगा। यानी आज एक नियम कर लो, एक नियम ही ले लो, जीवन में किसी भी पल में कहीं भी रहोगे ना, दिन में एक बार अरते नमा का ध्यान कर लेना। क्या बोला? अरते ही नमा, बोलना जोर से आप लोग, अरते नमः, अरते ही नमः, अरते नमः। इस महामंत्र की आराधना करोगे ना, कुंद कुंद स्वामी ने इसी के ऊपर लिखा है मित्र अष्ट पहुण में, जो जीव अरहंत को नमस्कार करता है, बटकेर स्वामी ने मूला चार में लिखा है, वो शीघ्र अचिर काल में पापों का क्षय कर लेता है। तो कितने लोग नियम नहीं ले पाएंगे, हाथ ऊपर करना, नहीं ले पाएंगे। कितने लोग आज नियम ले रहे हैं कि दिन में एक बार अरते नमा इतना बोल लेंगे? बहुत बढ़िया, ये है प्रवत माता, नियम ले लिया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया मेरे मित्र। बार बार बोलोगे, और जब बोलो ना तो अपने मन में इतना कह देना, हे मन आज मैं संस्कार डाल रहा हूं, ये संस्कार उस दिन याद आ जाए
चाहे मैं वन खंड में हूँ, चाहे मंदिर में हूँ, चाहे तीर्थ में हूँ, जब मेरी अंतिम सांस निकले उसमें तू याद करा देना अरते नमः। विराजो भैया, शमिक्य पंडितम्मा पासे पे पहु अपाणम सत में सिज्जा मेषिम भूयेषु कप्पाये। क्या लियो, यहां पर पुणे कह रहे हैं, इसलिए समस्त दुखों का हेतु अज्ञान, विवेक मूड पुरुष संसार में बार बार भटकता है, लेकिन ज्ञानी जीव पंडितम्मा पंडित पुरुष क्या लिख रहा है मालूम? यहां पर पंडित से तात्पर्य ज्ञानी भैया मात्र जो ग्रंथों को पढ़ रहा वही पंडित नहीं लेना, जो अपनी आत्मा के पापों को खंडन करने में लग जाए वे सब पंडित। विवेकी पुरुष, शीलवान पुरुष, अनुराग है पंडित, अध्ययन करके आगम का और छल कपट करना सीख गया, ये पंडिताई है कि खंडिताई है? पंडित पुरुष, यहां लिखा पंडित पुरुष, पंडित समीकम समीक्ष पंडित तस्मात, हे पंडित पुरुष समीक्ष यानी विचार करो, अच्छी तरह से सोच लीजिए। तम्मा पा जय पहे बहु पा जाति पंदन बहु, यानी एक बैल भी रस्सी को तोड़ने का विचार करता है, बंधन मुक्ति चाहता है, पिंजरे में बड़ा बैठा पक्षी भी अवसर देखता है कब पिंजरा खुले मैं उड़ जाऊं, मालूम मैं उड़ जाऊं। सुबोध भैया एक सेठ जी अपने घर से जा रहे थे, पिंजरे में एक तोता पला हुआ था और तोते ने पूछ लिया आप कहाँ जा रहे हो, तो सेठ जी कहते प्रदीप भैया मैं जा रहा हूँ प्रवचन सुनने। तो तोते की बात सुनते जाओ आप चले जाना, ठीक है। वो कहता है मैं जा रहा हूँ प्रवचन सुनने, तो तोते ने कहा प्रदीप भैया से, बोले सेठ जी जो उपदेश गुरु जी दें वो मुझे भी बताना, जो उपदेश गुरु जी दें मुझे ही बता देना। प्रवचन प्रारंभ हुआ और प्रवचन के बाद गुरु जी ने कहा संसार में त्याग करने से बंधन मुक्ति हो जाती है, त्याग करने से बंधन मुक्ति हो जाती है। सेठ जी आए खुश होकर के, तोते ने पूछ लिया स्वामी गुरुजी ने उपदेश क्या दिया, बोले उपदेश दिया है त्याग करने से बंधन मुक्ति हो जाती है। और कह चले गए सेठ जी, भूल गए। अब सेठ जी को तो लाखों काम थे ना, वो तो भूल गए बेचारे प्रदीप भैया, लेकिन तोते ने याद रखा गुरुजी ने कहा त्याग करने से बंधन मुक्त हो जाते हैं, तो मैं परीक्षा करता हूं। ये तुम मुस्का के बोले गुरुजी ने कहा और निकल गए। भोजन का समय हुआ, इन्होंने बढ़िया सोने की कटोरी में काजू की खीर बना के दी उसको, एक कटोरी में पानी रख दिया। तोते ने क्या निर्णय किया, त्याग करने से बंधन मुक्त होते हैं। उस तोते ने खीर की ओर देखा ही नहीं, पानी की ओर देखा ही नहीं, बस शांत बैठा रहा। प्रदीप दयालु जीव थे, ये जैन थे ना, सोचते भाई ये पानी भी नहीं पी रहा है, भोजन भी नहीं कर रहा है, कहीं बंधन में पड़े पड़े अंतिम श्वास भर ली ना इसने तो फिर तो मुझे हत्या का दोष लग जाएगा। ऐसा सोच करके उन्होंने पिंजरा खोल के रखा
और जैसे ही पिंडा खोल के थोड़ी दूर चले, तोता फुर उड़ गया और डाल पर बैठता है। कहता है, सेठ जी, गुरुजी ने कहा था त्याग करने से बंधन मुक्त होते हैं, देखा। इसलिए ज्ञानियों, प्रदीप भैया, आप विश्वास मानो, जो आपको अभी भरी सभा में घर जाने की इच्छा क्यों हुई, बंधन में हो। यदि आप ही अभी सोच लो, गुरुजी आज से गए त्याग, अब घर में क्या हो रहा, तुम्हें कोई लेन देन नहीं त्याग करने से। जरा जोर से बोलो भैया, प्रदीप भैया जरा जोर से बोलो ना, ऐसे नहीं, ऐसा बोलो, भोग यानी त्याग करने से बंधन मुक्त होता है, ऐसा बोलो भैया। यानी किसको बोल रहे हो, अपने आप को बोल रहे हो। तो विश्वास रखो, घर का एक घंटे को त्याग किया, यहां चेहरा मुस्कुरा रहा है, वहां तो घर में सबको मालूम क्या होता है। ओहो, जीवन में मुस्कुराहट पाना है तो हे पंडित, आपका समय हो गया अंतिम विषय। हे पंडित पुरुष, अनेक प्रकार के पास बंधन, स्त्री पुत्र आदि के समस्त संबंधों, जो कि कैसे हैं, आत्मा को जन्म मरण का दुख देने वाले हैं, जन्म मरण के कारण हैं, ऐसे समीक्षा करके शम सत्य का अन्वेषण, सत्यम से ज मेतिम भूए कंपाए, और सत्य खोज कर समूह प्राणियों के प्रति। ये बहुत गहरा शब्द है। सह रोटी खा लेना, खिला देना सरल है, पर जगत से मैत्री स्थापित करना बहुत कठिन है। क्या लिख रहे हैं यहां पर, भूये कप्पे मैत्रीम, मैत्री भूत कल्पेत, संसार में जितने प्राणी हैं उन सबके प्रति मैत्री भाव रखो, यही तत्व ज्ञान का सार है। कल फिर आओगे मित्र, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा, आज इतनी चिंतन करना। देवेंद्र काका अरते नमः, देवेंद्र काका अरते नमः, भूल मत जाना, और बंद त्याग करने से मुक्ति मिल जाती है, आप देख लो। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से तीन भिन्न। महावीर स्वामी की जिले, परम पूज्य राजा परमेश्वर देवी शुद्ध सागर जी महाराज जी की।